मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ HDFC का जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है ये अकाउंट ओपन करने के लिए और क्या क्या फैसिलिटी इस अकाउंट में मिल जाता है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HDFC बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के लिए, लेकिन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अभी। तो आप लोग देख सकते हो ये अकाउंट है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट फॉर फार्मर्स, ठीक है। और ये जो अकाउंट है ये जीरो डिपॉजिट और जीरो बैलेंस अकाउंट डिजाइन फॉर फार्मर्स, ठीक है। कोई भी फार्मर है तो ये ओपन कर सकता है HDFC बैंक में, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या फिर आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो तो आप लोग भी ये अकाउंट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना नहीं पड़ेगा, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। और HDFC दो अकाउंट प्रोवाइड करता है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक है सैलरी अकाउंट और दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये दो अकाउंट ऐसा टाइप का अकाउंट है जो कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। और जितना भी अकाउंट ओपन होता है HDFC में आप लोग को मिनिमम बैलेंस जो है 2500 रखना पड़ेगा फॉर रूरल एरिया और 5000 रुपीज फॉर नॉन मेट्रो सिटी और 10000 रुपीज फॉर मेट्रो सिटी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, सिर्फ दो ही अकाउंट है, दैट इज फार्मर्स अकाउंट जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, BSBDA जो है वही अकाउंट होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट है सैलरी जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या फीचर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस एंड चार्जेस है, फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्हाई चूज दिस अकाउंट। ये जो अकाउंट है BSBDA अकाउंट है फॉर फार्मर विद जीरो इनिशियल पे इन एंड नील एवरेज मंथली बैलेंस, फ्री IVR फोन बेस्ड बैंकिंग, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है फॉर फार्मर्स के लिए बहुत। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेफ डिपॉजिट लॉकर भी अवेल कर सकते हो, सुपर सेवर फैसिलिटी भी ले सकते हो, पासबुक फैसिलिटी ले सकते हो और आप लोग फ्री कैश और चेक डिपॉजिट कर सकते हो ब्रांच में और ATM में। फिर आप लोग को फ्री रुपे कार्ड मिल जाता है फॉर फ्री ट्रांजेक्शन आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। फ्री लाइफ टाइम बिल पे, फ्री इंस्टा क्वेरी फैसिलिटी, फ्री ईमेल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये सब आप लोग को डिटेल देख लेना है एक बार, ठीक है। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यू मस्ट बी ए रेसिडेंट इंडियन और दूसरा है यू मस्ट बी ए फार्मर एक जो एग्रीकल्चरलिस्ट और हैव इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो कि आप लोग एक फार्मर हो या फिर आपका इनकम जो है एग्रीकल्चर से आता है, देन आप लोग डेफिनेटली HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये दो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दो फुलफिल होना चाहिए। और अभी मैं बताऊंगा फीस एंड चार्जेस के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है नील है, यहाँ पे कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस आप लोग को मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। लेकिन आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाता है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं, लेकिन वो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। वो आप लोग को मिनिमम बैलेंस जो है 2500 रुपए फॉर रूरल अकाउंट, 5000 रुपीज फॉर नॉन मेट्रो और 10000 रुपीज फॉर मेट्रो सिटीज, ठीक है। तो ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 100% ट्रू है। आप लोग को सिर्फ दो ही अकाउंट मिलता है HDFC का जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक है फार्मर्स अकाउंट जो कि BSBDA अकाउंट होता है, ठीक है। और फार्मर अकाउंट में भी बहुत सारा कैटेगरी आ जाता है, ठीक है। वो सब में भी आप लोग को 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और दूसरा है सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। और चार्जेस अप्लीकेबल और नॉन मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, चेकबुक फ्री है, सॉफ्ट कॉपी आप लोग को मिल जाएगा, लास्ट 5 ईयर स्टेटमेंट थ्रू मेल चार्जेस, ठीक है, ई स्टेटमेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। फिर फिजिकल कॉपी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100 रुपीज ब्रांच में लगेगा, फोन बैंकिंग नॉन IVR के लिए 75, फोन बैंकिंग नेट बैंकिंग ATM जो चार्जेस है 50 रुपीज आप लोग को लगेगा, इशू ऑफ डुप्लीकेट और ADHOC स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर सीनियर सिटीजन 50 रुपये ब्रांच का चार्ज लगेगा, फॉर फोन बैंकिंग नॉन IVR 50 रुपये, फोन बैंकिंग IVR नेट बैंकिंग ATM 30 रुपीज आप लोग को लगेगा, पासबुक इश्यूएंस जो है फ्री है, डुप्लीकेट पासबुक इश्यूएंस जो है 100 रुपीज है, मैनेजर चेक और डिमांड ड्राफ्ट इश्यूएंस री इश्यूएंस एट HDFC बैंक लोकेशन फ्री है, मैनेजर और चेक और डिमांड ड्राफ्ट कैंसिलेशन रीवैलिडेशन 100 रुपीज, फिर डिमांड ड्राफ्ट इशू एट नॉन HDFC बैंक लोकेशन यहाँ पे फ्री है, चेक कलेक्शन लोकल क्लियरिंग जोन फ्री है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्जेस फॉर चेक ड्रॉन ऑन ब्रांच लोकेशन रेगुलर सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, चार्जेस बहुत ही कम है नॉर्मल सेविंग अकाउंट से, ठीक है। और क्लियरिंग ब्रांचेस में यहाँ पे ये सब चार्जेस आप लोग को लग जाएगा, ठीक है। और आउटस्टेशन जो कि नॉन होम ब्रांच होता है यहाँ पे आप लोग को ये सब चार्जेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे चेक रिटर्न चार्जेस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बैलेंस सर्टिफिकेट करंट ईयर फ्री है, ठीक है। इंस्टेंट सर्टिफिकेट 50% TDS सर्टिफिकेट फ्री है। फिर अकाउंट क्लोजर फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट, यहाँ पे 14 डेज का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप लोग ओपन किए हो 14 दिन के बाद आप लोग क्लोज करें, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 15 डेज टू 12 मंथ्स ₹5 लगेगा, ठीक है। बियॉन्ड 12 मंथ्स कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। फोटो अटेस्टेशन 100 पर इंस्टेंस, यही सब आप लोग को चार्ज देना पड़ेगा। एड्रेस कन्फर्मेशन ₹50 पर इंस्टेंस। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर नोट टू होनर चेक इशूड चार्जेस, पर्टिकुलर चार्जेस जो है 100, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर चाहिए तो ₹25 लगेगा। ऑन अरेस्ट ओवरड्राफ्ट यहाँ पे 100 पर ओकेजन लगता है। एक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट अकाउंट कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। डोरमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हो कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर या फिर 2 ईयर, देन वो डोरमेंट हो जाता है और वो अकाउंट से कोई भी आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस अकाउंट में आप लोग को बहुत सारा अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है, लाइक अनलिमिटेड डिपॉजिट अलाउड, फ्री विड्रॉल्स, ठीक है, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे ATM कार्ड फ्री आप लोग को मिल जाता है। रिप्लेसमेंट चार्जेस जो है ₹200 लगेगा प्लस GST लगेगा। तो ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 3 चीज़ चाहिए होगा, एक है ID एंड एड्रेस प्रूफ एज पर बैंक एक्सेप्टेबल लिस्ट ऑफ KYC, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है तो दे सकते हो। फिर फोटोग्राफ चाहिए होगा, जनरली 2 फोटोग्राफ चाहिए होता है हर बैंक में, तो बेटर है आप लोग 2 फोटोग्राफ लेके जाइएगा। फिर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे आप लोग को वो भी देना है, तो ये सब आप लोग को लेना पड़ेगा बैंक को। और ये जो अकाउंट है ये बैंक में ही ओपन होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। आप लोग को ओरिजिनल भी लेना पड़ेगा, जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट किए होंगे आप लोग का जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो ये था HDFC का जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिनेट टेक। थैंक यू।